पांडे जी, आप अंदर होके आए, क्या स्थिति है, जिस तरीके से वहाँ पे पूरी रात से कार्य चल रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई क्या? जी सर, वहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर, काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर है। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है, तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रेक्स चल रहा है बाहर से वह है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर, वो कह रहे हैं कि हम 270 पे अंदर है, और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए, अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है जी, ये सबसे बड़ी एक आज एक सबसे बड़ा कदम है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है। जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे, लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं तो वो बिल्कुल, हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं कि कौन सी स्थिति में है, तो उन्होंने उसको रिटर्न किया, अभी आवाज हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिखे क्या आप तक पहुंचा, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने कागज भेजा था वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए, और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है, पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भेजी जाए। आरएफ की टीम भी सर अंदर मूवमेंट किया सर, क्या देखते हैं? अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है, अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। सर क्या फिगर बताया जा रहा है कि लोगों का अंदर कितने लोग हैं सर, जिस तरीके से बताया 40 लोगों का फिगर बताया जा रहा है? हाँ हाँ, ये 40 की खबर है, हमारे साथ कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने बताया 40 लोग अंदर है लेकिन सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी। सर एक व्यवधान बताया जा रहा है कि बीच में जैसे अगर थोड़ा सा खोला जा रहा तो फिर ऊपर से बलवा जा रहा है। जी 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 जी, ये तो है सर अंदर की जिस तरीके से बलवा बार बार दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू करने में। हाँ देखिए, जो टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन से लगी हुई है खुदाई करने के बाद जो एक्सकवेशन का काम कर रही है तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है, ये समस्या थोड़ा हमें पैदा कर रहा है, मलबा थोड़ा सा गीला सा हैवी होके नीचे धस रहा है। सर कब तक माने कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं? सर आज का दिन माने? हम तो सोचते हैं कि आज हो जाना चाहिए, हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे कल रात से लगी हुई है, जब से पता लगा हमें हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी मतलब हम पूरे साधु सम्मान के साथ यहाँ पे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बाकी आप सिचुएशन तो यही है कि ऊपर से मलबा गिर रहा है और अभी गिरना थोड़ा कम हुआ है। देखिए अभी तक की प्रेजेंट स्थिति यह है कि हमारे कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था जो अंदर मजदूर फंसे हैं, यहाँ पर एक पाइपलाइन है उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की, तो हमें यह पता चला कि जो मलबा जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है, उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सकेवेट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी है। कब तक लग रहा सर ये चीजें हट जाएंगी मलबा जो है और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है, ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है। देखिए जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे।